भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने शुक्रवार को संगोली में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे, हम उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि हम में कितना दम है। नितेश राणे के इस बयान पर अब आईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आए दिन यह लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यहां का माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। वारिस पठान ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा, सुनिए। वारिस भाई, आज नितेश राणे ने सांगली के अंदर कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को हटा दो, कौन बड़ा है हम बता देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है, आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है, ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके, इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे, इसने दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा मस्जिद में, आएगा दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही, तू डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे हैं, और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है, क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता, क्यों ऐसों को छोड़ दिया है खुली फिजाओं में, जाओ अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ? तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े, इस तरह इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की DGP चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे? आओ मार डालो, हाँ क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है।